समझ नहीं आता यार, करिए तो करिए कि कितने चलिए हैं। अभी हम बैठे हैं स्टूडियो में, सोच रहे हैं कहाँ जाएं। जब लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तभी हमको कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। अकल जितनी लोगों को है, आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, ये दुनिया इधर बाहर। यही 1838-58 वाली जो जनरेशन है, भागम दौड़ में लगे हुए हैं, यही कहते हैं हमें क्या लेना, रोटी रोजी की तलाश में निकलते हैं, जैसे पंछी निकलते हैं, जानवर निकलते हैं घास चरने के लिए, वैसे ये लोग निकल जाते हैं। वक्त का पता नहीं चलता यार, ये मारामारी में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। अमीर आदमी कहता है मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, मैं कहता हूं उसे कोई जानता ही नहीं है। नेता कहता है मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं कहता हूं तेरे को जानते कोई नहीं है। वो सोचते हैं बहुत फेमस हो गए हैं, हम अमर हो गए हैं, कोई तुम्हारे जो भय में मन का कोई अमर नहीं होता। हर बंदा अकलमंद है यार, जिससे बातचीत करते हैं कहते हैं मेरे से अकलमंद कोई नहीं है। यार मस्ती में जियो यार, क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग कहते मेरे को लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, तो कैसे बोलता है, तो कैसे देखता है, तेरे को चलना नहीं आता, तेरे को बैठना नहीं आता। ये ट्रेन है ना जो आती है और चली जाती है, गाड़ी आवाज आ रही है ना आपको, पीछे नहीं दिखाऊंगा अभी, मैं सेकंड लाइन पे इधर होती तो दिखा देता मैं। आज तो यहाँ पर कोई वो भी नहीं है, नशेड़ी भी नहीं दिखाई दे रहा कोई अभी, जैसे बातचीत कर लें। हाँ सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं, जब पुलिस देख के भाग जाते हैं ना, फिर 10-15 मिनट में फिर आ जाएंगे। वो भी इधर थोड़ा झांक के चले जाते हैं, कोई है तो नहीं, लैंप की तरफ देखते लैंग उधर चले गए, उधर लाइनों की तरफ चले जाते हैं। यार जिस दिन आप ये सोचना छोड़ दोगे ना, लोग मेरे को क्या कहते हैं, मेरे ये बूट, जैसे कि बूट हमारे ये गंदे भी बैठे बूट, यार हम क्या बूट ले हमें, हाँ गंदे बूट ये हैं, गंदगी है, लोग हैं, यही मंदिर है, ये देखो मंदिर का सारा जितने भी पूजा मूर्ति, हाँ है कोई, अच्छा 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 लगा लिया है, बाहर लगा लिया जी, अच्छा 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 सड़क भी काम करने लग गए हम, चलो देखते रहो उस्ताद, ले माँ फल ली बस, लगा लिया यार रास्ता यार के, वो सड़क पे बैठ के सारा काम कर लेते हैं, सरेआम बिकता है, सरेआम चलता है। अब चले यार कहीं और चलते हैं, लोगों से पूछते हैं जाके, जब सरकार जो लोग बनाते हैं ना उनसे हम बातचीत करते हैं जाके, उनके हम विचार लेते हैं। एक मैंने अभी रास्ते में देखा प्रोफेसर था, वो पढ़ाता था, उसको 10-12-15 साल हो गए, रिटायर हो गया वो, तो मैंने इकोनॉमिक्स पता नहीं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता होगा कोई भी होगा, आजकल वो कहता पढ़ाई यार बच्चों को पढ़ाना नहीं, वो सरकारी टीचर रिटायर हुआ है, अब वो क्या कर रहा भैया, अब वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया। मैंने कहा भैया तुम प्रोफेसर था, इतना पढ़ा था, इतना लिखा था, कोई किताब लिखता या लोगों को समझाता, कोई सोशल वर्क करता, तुम क्या काम करने लग गया, इसका मतलब जब तक तूने ये प्रोफेसर गिरी गिरी है तो सिर्फ पैसे के लिए जाता था, वहाँ क्या पढ़ाया तूने बच्चों को, तो सोचता दिहाड़ी पड़ जाती है मेरी 1.5-2 हज़ार रुपये की, क्योंकि लाख रुपये इन प्रोफेसर जो सरकारी होते हैं तनख्वाह होती है उनकी, वो सिर्फ दिहाड़ी लेने जाता था। बच्चों ये प्रोफेसर जो है ना, कई प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज को छोड़ के जो सरकारी टीचर हैं उनका घंटा है एक एक 500-500 रुपये घंटा पड़ता है, सरकार को बहुत खर्चा पड़ता है, गवर्नमेंट को आपके पैसे ये जो देती हैं तनख्वाह आपके टैक्स वाले, अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो इनसे पूछा करो सवाल यार, आप भी नहीं पूछते, आप कहते हैं टाइम पास हो गया, मैं तो जाता ही नहीं था कॉलेज वगैरह स्कूल में, हमने तो भाई गए नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लगता था ये, मैं क्या क्या पढ़ाएंगे, ये तो आप ही पढ़ पढ़ कर किताब पढ़ कर तो पढ़ाते हैं वो। अच्छा मैंने जब देखा ना किताब लेके आते थे वहीं से पढ़ाते थे टीचर जो होते हैं प्रोफेसर, मैंने कहा तुम्हारे को मुँह जुबानी याद नहीं हुआ, तुम्हारे से गाड़ी दिखा यार, गाड़ी दिखा दे, देखो बीच में दिखा पत्ता गया, इंजन है इंजन,
इंजन है, अकेला इंजन भाग रहा है। बच्चों देखो तुम्हारे टीचर को नहीं याद होती ये किताबें, बच्चों देखो तुम्हारे टीचर को नहीं होती ये किताबें याद, प्रोफेसर को नहीं होती किताब ये याद, और आपको कहते हैं पढ़ पढ़ कर भैया याद करके हमें लिख के दिखाओ। किसी दिन मास्टर को बोल दे, मास्टर तू तू लिख के दिखा दे। और मैं कई बार देखता हूँ कोर्ट में जो जज होते हैं, वकील होते हैं, वो पहले किताब खोलते हैं, सेक्शन देखते हैं, 347, 348, 268, चोर वाला कौन सा है, मरण वाला कौन सा है, छेड़खानी वाला कौन सा है, उसके बाद चेक बाउंस वाला कौन सा है, मैरिज एक्ट वाला कौन सा है, वो देख देख के यार किसी को याद होता ही नहीं। दूसरों को कहते हैं बच्चों को याद कर ले कर ले कर ले, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के याद करा करा के मार रहे हैं ये लोग। बच्चों छोड़ दो इनको, इनके पीछे मत लगो, इनको आप ही कुछ पता है जिंदगी क्या है। कर लेना सवाल किसी दिन, मास्टर जब देख के पढ़ाता है तो बच्चों को कहता है याद कर लो, ऐसे मास्टरों से आप क्या सीख पाओगे, ऐसे मास्टर आपको क्या पढ़ाएंगे जो अपनी तनख्वाह के लिए आते हैं। हर कोई बंदा रोजगार के लिए, प्रोफेशन के लिए आता है, बिजनेस के लिए आता है, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो ये प्रोफेशनल लोग हैं सिर्फ जो तनख्वाह के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, ये आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए, ये आपको पढ़ाएंगे नहीं, ये सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए, रोजगार के लिए, जहाँ पर आपको आपको सिर्फ पढ़ाने का नाटक करते हैं। धुआं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, चलते हैं यार कहीं और चलते हैं हम लोग।